नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार की राजनीति में कई ट्विस्ट आ रहे हैं और इन ट्विस्ट में से सबसे ज़्यादा अगर चर्चा कहीं है तो वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती को लेकर के है। आपको बता दें कि 23 तारीख की मीटिंग के बाद लगातार ये चर्चाएँ हो रही थी कि आखिर बिहार में क्या होगा, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे या फिर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जिस तरह से अपनी तेज़ी दिखा रहे हैं वो अब आगे जाएगा। इसी बीच में एक खबर ये भी आई कि जितनी बार लगभग कई बार दो तीन बार मीटिंग कैंसिल हुई, तिथियां बदली गईं, उन सब के बावजूद 23 तारीख को जो बैठक हुई तो नीतीश कुमार के चेहरे से खुशी नज़र आ रही थी। लेकिन अचानक से जब लालू प्रसाद ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैक कर लिया उसके बाद से नीतीश कुमार की चुप्पी हो गई। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर के नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। हालांकि अन्य लोगों ने ये बातें ज़रूर कही कि आगे अब ये बैठक शिमला में होगी, लेकिन जो बातें हमारे सामने छन छन कर आ रही है कि शिमला से भी ये बैठक कैंसिल हो गई है और 12-10 से लेकर के 12 तक होने वाली बैठक आगे कभी भी अगले तिथि पर की जा सकती है, जिसकी घोषणा किया जा सकता है। इस बात को लेकर के कई दल के नेताओं ने अपनी संभावना व्यक्त की है और तिथियों को लेकर के अपना जो मजबूरी है वो जाहिर किया है। इसके बाद आपको बता दें कि एक खबर आज सुबह ही हमारे पास आई कि कहीं ना कहीं अब बिहार में नीतीश कुमार अलग दिशा में अलग एंगल पर सोचना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप लगातार सुन रहे होंगे, संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात कही थी कि नीतीश कुमार हमेशा दरवाज़ा भले ही बंद कर रहे लेकिन खिड़की खुली रखते हैं जिससे कि बाहर निकलने का उनके पास रास्ता बरकरार रहे। हरिवंश जो लगातार नीतीश कुमार के करीबियों में से एक रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अभी भी राज्यसभा में उपसभापति हैं। इतना ही नहीं, आपको पता है कि देश भर की जो विपक्षी पार्टियां गैर भाजपा दल हैं उन्होंने जो संसद भवन का नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसका बहिष्कार किया था, तो वहीं दूसरी तरफ हरिवंश उस बैठक में शामिल थे। हरिवंश पटना आए हुए हैं और विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है। उनके जो करीबी विधायक हैं वो नीतीश कुमार से बैठक में शामिल हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो इसी बीच में दूसरी खबर दोपहर होते होते आ गई कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और जैसे ही अमित शाह की मीटिंग खत्म हुई लखीसराय से वो गए, उसके बाद से उन्होंने एक बैठक की थी जो कोर टीम है भारतीय जनता पार्टी की उनके साथ। अब उस कोर टीम की बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर एक तरफ जहाँ जनता दल यूनाइटेड के जो कर्ता धरता हैं नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के आवास पर उनकी अध्यक्षता में उनके एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें कोर टीम के लगभग सभी सदस्य हैं। यहां तक कि सुशील मोदी भी उस बैठक में शामिल हैं और बिहार को लेकर के आगे के स्ट्रेटजी को लेकर के चर्चा हो रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस बैठक से कोई बड़ा हल निकल करके आने वाला है जिसको लेकर दोनों ही खेमे में हलचल मची हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बैठक पार्टी की बैठक है या फिर इस बैठक से कुछ अलग निकल करके आएगा जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।